नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ। दोस्तों, BCN न्यूज़ और BTP ग्रुप के संस्थापक सिराज शेख द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बताया कि उनके कई परिचित हैं जो नज़दीक के होंगे या फिर दूर के होंगे, उनके कुछ अच्छे या कुछ बुरे काम भी होंगे, उसके बारे में उनकी कोई जानकारी भी नहीं है। उन्होंने बताया कि अगर कोई मेरा दूर का परिचित कोई गलत काम करता है, अगर मेरे नाम का उपयोग करता है, तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने बताया कि वो अपने परिवार में अपने पिता, अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपनी बेटियों और उनके साथ उनके सहयोगी इमरान शेख की वो जिम्मेदारी लेते हैं। इनके अलावा जो उनके दूर या नज़दीक या के परिचित हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, उनकी जिम्मेदारी वो नहीं लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से लगातार सिराज शेख के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। खैर, आरोप प्रत्यारोप ये लगते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और जितने भी दिग्गज उपस्थित थे, मीडियाकर्मी उपस्थित थे, उन सभी के सवालों का संतुष्टिपूर्वक जवाब देना, यह बताता है कि सामने वाला व्यक्ति सच बोल रहा है और वो खुलकर लोगों से बात कर रहा है, यानी कि वो कहीं से भी कुछ भी छुपा नहीं रहा है। दोस्तों, एक कहावत है, मुझे पता ना चला पर वो चलता रहा, मैं देखता रहा और वो ढलता रहा। सवाल, इल्ज़ाम लगते रहेंगे, उठते रहेंगे, लेकिन सच एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है और जिसे आप सब देख रहे हैं। मैं उम्र की 13 साल से व्यापार में हूँ और 97 से मीडिया चला रहा हूँ। जब शायद ही पूरे महाराष्ट्र में लोकल चैनल नहीं था, तब से मैं मीडिया संभाल रहा हूँ। मैं भी आपके जैसे एक बंदा हूँ और मेरा पत्रकारिता का आज ये मीटिंग लेने का उद्देश्य ये है, क्या आज की कंडीशन में मेरे परिवार में 4 सगे भाई हैं, 3 सगी बहना हैं, उनकी औलादें, उनके बच्चे हैं, ऐसे भी चाचा के, नाना के, बुआ के, ऐसे करके बहुत बड़ा खानदान है, 80 से 100 लोगों का खानदान है। लेकिन 2013 से हम लोग अपने भाइयों से अलग हुए हैं। आज मेरा बेटा और मैं अपना व्यापार संभालता हूँ। मेरे साथ में मेरी बहू जुड़ी हुई है, मेरे को 2 वाइफ है, दोनों वाइफ अलग अलग बिजनेस में जुड़ी है और मेरा कलीग इमरान जुड़ा। तो मैं इसके पहले भी लोगों से आग्रह किया था कि कुछ भी प्रॉब्लम है तो इतनी लोगों की जवाबदारी मेरी, बाकी की जवाबदारी नहीं। आज की कंडीशन में 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉई पिछले 37 साल में मेरे पास काम छोड़ के गए हैं। अब 3000 एम्प्लॉई कौन क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे कुछ इस बारे में आइडिया नहीं। सोमवारी क्वार्टर में कुछ घटना घटी, मेडिकल चौक में घटना घटी, किसी को डिपार्टमेंट ने पकड़ा, किसी को पुलिस ने ट्रॉफिक में पकड़ा, डंकर ड्राइंग में पकड़ा, किसके आया, सिराज भाई की तरफ की, सिराज भाई की तरफ की, सिराज भाई। तो मैं आज यही डिक्लेयर करने आया हूँ कि मेरे लिए सिर्फ मैंने जिसको पैदा किया वो मेरी जवाबदारी है, बाकी सब मेरे रिलेटिव है। अब देखते रहे आज की खास बात अपने दोस्त वीर सिंह के साथ, सिर्फ NBCN न्यूज़ पे। जय हिंद।